भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला होने जा रहा है, तो भारत ने यहाँ पर पहले टॉस में जो है वो हेड मांगा है, देखते हैं कौन टॉस जीता है। तो भारत जो है वो टॉस जीत चुका है और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने, और देखते हैं इनकी तरफ से ओपनिंग करेगा कौन आता है। चलो तो विराट कोहली जो पाकिस्तान के जो पापा है वो अब भारत की तरफ से ओपनिंग करने आएगा और उनका साथ देने आएंगे ईशान किशन, जो एक बाएं हाथ के बल्लेबाज है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा विकल्प भी है। तो देख सकते हैं आप ईशान किशन को भी और विराट कोहली को भी अपनी स्क्रीन पर। और पाकिस्तान जो पहले गेंदबाजी करेगा, 2 ओवर का ये मैच है, देखते हैं क्या होता है। पहली गेंद खेलेगा विराट, दर रन में सिंकिंग कोहली, देखते हैं वो पहली गेंद पे क्या करते हैं। ये पहली गेंद और किंग ने बल्ला घुमाया और पहली ही गेंद पे चौका जड़ दिया, यहाँ पर विराट कोहली ने अपनी वजह साफ कर दिया है और पहली गेंद पे चौका जड़ के ये बता दिया कि क्यों विराट कोहली पाकिस्तान के पापा है, क्यों विराट कोहली को पाकिस्तान पापा कहता है, क्यों विराट धरन में सिंह की कोहली का इतना ज़्यादा नाम है। और पहली गेंद पर विराट कोहली ने बता दिया कि वो आपको बख्शने वाले नहीं है, अपने इरादे से आप जाहिर कर दिया है। देखते हैं दूसरी गेंद पर क्या करते हैं किंग कोहली। दूसरी गेंद आई, कोहली ने दूसरी गेंद पर बल्ला घुमा दिया और ये एक और चौका, 2 लगातार चौके। किंग कोहली नहीं रुकने वाले अब दोस्तों, उन्हें बता दिया कि वो आज इनको फोड़ डालेंगे, तोड़ डालेंगे, अच्छी तरह पीट डालेंगे, इनको इनके औकात दिखा देगा आज एक बार फिर से। आपने देखा ही होगा हमेशा किंग कोहली खड़े रहते हैं पाकिस्तान के सामने, और एक और चौका यहाँ पर, 2 लगातार चौके, अभी तो मैच शुरू ही हुआ है। किंग कोहली ने बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मोड में दिख रहे हैं। तीसरी बॉल आई, तीसरी बॉल में सामने उठा के मारो, बहुत ही ज़्यादा लंबा छक्का दोस्तों, क्या गजब का छक्का मारा है यहाँ पर विराट कोहली ने। आप देख सकते हैं कितना लंबा छक्का दे के मारा है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा लंबा छक्का मारा है। ये देखिए जब वर्ल्ड कप स्टाइल में जैसे मारा था वैसे ही छक्का यहाँ पर भी मारा है जैसे वर्ल्ड कप में मारा था। ये तो किंग कोहली का पैट शॉट बन चुका है, हर मैच में एक आधा शॉट तो ही खेल ही देते हैं ऐसा। अब आएगी मैं चौथी गेंद, देखते हैं क्या करते हैं विराट कोहली पीछे, ओहो स्कूप शॉट खेलने की कोशिश की, थोड़ा जल्दी पर बल्ला आया लेकिन चलो 2 रन लेने में तो कामयाब रहे किंग कोहली, भागते बहुत तेज है क्योंकि इंटरनेशनल का शॉर्ट बॉल डाली है यहाँ पर। देखते हैं क्या होता है, क्या ये क्या आउट हो सकते हैं, क्या आउट हो दी नहीं, 3 फील्डरों के बीच में गिरी, गैप में गिरी और किंग कोहली ने एक और बार भाग कर 2 रन पूरे कर दिए हैं। एक और शॉर्ट बॉल आते हुए देखते हैं किंग कोहली क्या करते हैं, ओ मिस होती हुई किंग कोहली और पहले ओवर में बहुत ही ज़्यादा शानदार बल्लेबाजी करते हुए 18 रन चढ़ डाले। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कहाँ कहाँ विराट कोहली ने शॉट खेले हैं। तो अब दूसरी इनिंग का दूसरा और आखिरी ओवर आता हुआ, देखते हैं कौन फैद कर शादाब खाना है बैटिंग करने के लिए। सामने आए भाई हाथ के बल्लेबाजी ईशान किशन, देखते हैं ईशान किशन क्या करते हैं। या ईशान किशन ने पहली बॉल पर बल्ला घुमा दिया है और उनको भी चौका मिला है पहली बॉल पर। विराट कोहली ने पहली बॉल पर चौका मारा था, ईशान किशन ने भी पहली बॉल पर चौका मारा है। ईशान किशन ने भी अपने इरादे स्पष्ट जाहिर कर दिए कि वो भी इनको बख्शने वाले नहीं है, वो भी तोड़ फोड़ करेगी आज। अब दूसरी बॉल आती हुई ओवर की, दूसरी बॉल पर घुमाया बल्ला, क्या कैच दी नहीं, कैच छूटा और यहाँ पर एक और चौका मिलते हुए। देखते हैं ये कैच जो है कितना महंगा साबित होता है क्योंकि ये जो है ईशान किशन का कैच है जो बहुत ही ज़्यादा विस्फोटक बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। ओवर की तीसरी गेंद आती हुई, ओ रिवर्स स्कूप खेलने की कोशिश करते हैं और अंपायर ने जो है उसको RB डबल करार दिया है क्या है? पर रिव्यू ले गए या दोस्तों यहाँ पर रिव्यू का निर्णय लिया है यहाँ पर ईशान किशन ने विराट कोहली से बातचीत करते हैं। विराट कोहली ने जरूर कहा आप रिव्यू लिए, जो रिव्यू बचे हुए हैं देखते हैं रिव्यू में क्या आता है, DRS में क्या आता है। ये आई बॉल ओरिजिनल डिस्टेंस तो आउट है, पिचिंग आउटसाइड ऑफ है, इंपैक्ट इन लाइन विकेट को हिटिंग कर दिया है और यहाँ पर ईशान किशन को जो है वापस जाना पड़ेगा। बहुत ही अच्छे मूड में लग रहे थे, ऐसे लग रहे थे हर बॉल पर वो चौके छक्का मारेंगे लेकिन उनकी पारी ही समाप्त होते हुए 8 रन बनाए उन्होंने 3 गेंदों का सामना करके जिसमें दो चौके शामिल थे। अब आए भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा, स्क्रीन पर उनका स्ट्राइक रेट देख सकते हैं 233 का है। देखते हैं रोहित शर्मा कैसी बल्लेबाजी करते हैं, उनकी आई पहली गेंद आई उनके सामने, उन्होंने बल्ला घुमा दिया है और पहली गेंद पर उन्होंने भी चौका जड़ दिया है दोस्तों। आप देख ही सकते हैं रोहित शर्मा ने भी तीनों जो बल्लेबाज हैं उन्होंने पहली गेंद पर अपना चौका मारा है और अपने इरादे स्पष्ट जाहिर कर दिया कि ये नहीं छोड़ेगी, बहुत ज़्यादा विशाल टारगेट पाकिस्तान को देने वाली है भारतीय टीम। रोहित शर्मा ने भी अपने इरादे स्पष्ट कर दिया है कि आते ही उन्होंने पहली गेंद पर बिना किसी की परवाह किए बल्ला घुमा दिया है। देखते हैं अगली 2 गेंदों पर
रोहित शर्मा क्या करते हैं, पीछे हटे, बॉल आई, बल्ला घुमाया, क्या एक और चौका हो सकता है, छक्का। जी दोस्तों एक और चौका मिलते हुए यहाँ पर, दो बैक टू बैक चौके रोहित शर्मा ने यहाँ पर जड़ दिए है और बता दिया है कि क्यों उनको हिटमैन कहा जाता है, आगे ही बड़े बड़े हिट लगाते हैं इसलिए। और तीसरी गेंद पर क्या, जी हाँ दोस्तों तीसरी गेंद पर भी यहाँ पर रोहित शर्मा ने चौका जड़ दिया है और उन्होंने 3 गेंदों में 12 रन जड़ दिया 400 के स्ट्राइक रेट से। ओवर की यहाँ समाप्ति हुई होती हुई और इनिंग की भी, भारत ने 2 ओवर में 38 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर, जिसमें 20 रन 1 ओवर में, 18 रन 1 ओवर में बनाए। अब आते हैं विराट कोहली ने 18 रन बनाए, केवल 6 गेंदों का सामना किया। अब शुरू होती है पाकिस्तान की बल्लेबाजी, देखते हैं क्या करते हैं। मोहम्मद रिजवान आया है ओपनिंग में, उनके साथ आया लिंग बाबर आजम, नकली जो लिंग है। भारत की तरफ से गेंदबाजी करने उतरे हैं भुवनेश्वर कुमार फील्ड सेट करते हुए, देखते हैं क्या फील्ड लगाते हैं, 3-2 की फील्ड रही है उन्होंने, अब देखते हैं क्या होता है। ओह दोस्तों ये तो गड़बड़ होगी, पहली बॉल भुवनेश्वर कुमार ने 9 बॉल डाल दी है दोस्तों, देखते हैं क्या होता है। चलो कोई खामियाज नहीं भुगतना पड़ा, भुवनेश्वर कुमार यहाँ पर बच गया है, लेकिन अंपायर जो है 9 ओवर देते हुए और फ्री हिट मिलती हुई यहाँ पर मोहम्मद रिजवान को, 1 रन भी हुआ यहाँ पर कोई। अब देखते हैं फ्री हिट का क्या फ़ायदा उठा पाते हैं मोहम्मद रिजवान या खाली छोड़ते हैं यहाँ पर। मोहम्मद रिजवान ने फ्री हिट का पूरा फ़ायदा उठाया, छक्का जड़ दिया है भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर। क्या भुवनेश्वर कुमार देखते हैं किस तरीके से भुवनेश्वर कुमार वापसी कर पाते हैं इस ओवर में, स्विंग करवाने की पूरी कोशिश करी है भुवनेश्वर कुमार, आगे गेंद का टप्पर रखा है, देखते हैं क्या होता है। ओह क्या यह लगा था दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया गेंदबाजी करते हुए भुवनेश्वर कुमार वापसी, और अंपायर ने आज आउट भी दे दिया है दोस्तों, क्या यह आज था। अंपायर और भुवनेश्वर कुमार और विकेट कीपर पूरी तरह श्योर है कि ये एज लगा था और इसलिए उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अपील की और मोहम्मद रिजवान को था जो वापस जाना पड़ेगा। एक छक्का मार के बहुत ही चौड़े हो रहे थे भुवनेश्वर कुमार ने, उनको उनकी टट्टे को का दिखा दी साले नकद को। अब आया है फकर जमान बैटिंग करने के लिए 3रे नंबर पर, देखते हैं इनका क्या हालत करते हैं भुवनेश्वर कुमार, पहली गेंद का सामना करेंगे फकर जमान, ये डाली गेंद यहाँ पर कट खेला है फकर जमान ने, केवल 1 ही रन मिलता हुआ यहाँ पर फकर जमान को, अपना खाता खोला पहली ही गेंद पर। अब आया बाबर आजम, नकली बाबर आजम, इनके बल्ले कुछ नहीं है और इनका तो स्वागत इन्होंने भुवनेश्वर कुमार ने बाउंसर के साथ किया है, बाउंसर जाते हुए देखते हैं चौका, चौका बचा लिया, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फील्डिंग का नज़ारा दिखाते हुए फील्डर, और केवल 2 रन ही मिल पाए, 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। अब ओवर की 5वीं गेंद आती हुई, ये भी बाउंसर करेंगे भुवनेश्वर कुमार, एक बार फिर से इन्होंने पुर शॉट खेला और इस गेंद पर केवल 1 ही रन मिलेगा बाबर आजम को। फिर से अब फकर जमान जो है स्ट्राइक पर आते हुए, देखते हैं फकर जमान को क्या करते हैं, और फकर जमान को भी बाउंसर फेंकने का निर्णय किया है भुवनेश्वर कुमार ने, इनके सिर पर देखे मारेंगे और इन्होंने भी फुल शॉट खेला है, देखते हैं इनको कितने रन मिलते हैं, इनको भी 1 ही रन मिला इस शॉट पर। तो पाकिस्तान का जो स्कोर रहा पहली ओवर में 12 रन रहा 1 विकेट के नुकसान पर, और भुवनेश्वर कुमार की ऐसी बॉलिंग रही आप देख सकते हैं, 3 जो बॉलें थी उन्होंने बाउंसर की है। अब आते हैं आखिरी ओवर फेंकने, देखते हैं कौन आता है, जसप्रीत बुमराह आखिरी ओवर फेंकने, आप देख सकते हैं उनकी गेंदबाजी कितनी बढ़िया रही है, पहली बॉल का सामना करेंगे फकर जमान, देखते हैं क्या करते हैं फकर जमान इस पहली बॉल पर। ये बल्ला घुमाया, क्या आउट हो सकते हैं नीचे फील्डर, ओह जी हाँ दोस्तों ये आउट हो गया फकर जमान, पहली गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने बहुत ही ज़्यादा बढ़िया गेंदबाजी की और पहली गेंद पर फकर जमान को वापस भेज दिया अपने ओवर की पहली गेंद डाली थी, देखिए दोस्तों कैसे आउट किया, पहली गेंद डाली फुल शॉट खेलने का प्रयास किया लेकिन नीचे फील्डर आते हुए, और फकर जमाने को है जो है बाहर जाना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन दिखाते हुए यहाँ पर जसप्रीत बुमराह, उन्होंने बता दिया क्यों उनको बूम बुमराह कहा जाता है, क्यों उनका दुनिया भर में इतना नाम है, क्योंकि वो ऐसे कारनामे करके दिखाते हैं इसलिए उनका नाम है। अब आए इफ्तिकार अहमद बैटिंग करने के लिए और जसप्रीत बुमराह ने फैसला किया कि वो इनका स्वागत बाउंसर के साथ करेंगे, बाउंसर फेंक यहाँ पर, ओ इनका सिर बच गया, इफ्ती के हार का हार ही चढ़ाना पड़ जाता अगर सिर पे बॉल लग जाती तो, देखते आगे टप्पा रख के स्विंग कराने की कोशिश कर रहा है जसप्रीत बुमराह, क्या होता है, यह शॉट खेल है केवल 1 ही रन मिलेगा इस बॉल पर इफ्तिकार अहमद को, अपना खाता भी खोला इसी के साथ उन्होंने। अब बाबर आजम जो है
यशवंत बुमराह का सामना करेंगे। ये भी बॉल जो है यशवंत बुमराह की स्विंग कराने की कोशिश रहेगी। एक और शॉट खेला है और इस बॉल पर भी बाबर आजम को एक ही रन मिलेगा दोस्तों। तो पाकिस्तान की जो रफ्तार है रनों की कछुए से भी बहुत स्लो है। देखते हैं इस बॉल पर क्या होता है। यह बॉल उठाया शॉट नीचे फिल्टर और एक और विकेट गिरता हुआ यहाँ पर बाबर आजम लिंग बाबर आजम बाहर जाते हुए नकली लिंग जिसे बोलते हैं। देखिए टट्टे ने सिर्फ एक रन बनाए, चूतिया ने चूतिया ही रहेगा ये। हमें सुपर ओवर की आवश्यकता नहीं, हम इसको ऐसे ही हरा देंगे। जैसे बुमराह अपनी आखिरी गेंद करते हुए कट खेला है, देखते कितना रन मिलते हैं। केवल एक ही रन मिलेगा यहाँ पर। पाकिस्तान की जो पारी है यहाँ पर समाप्त होगी। अब भारत ने 23 रनों से बहुत ही बढ़िया और शानदार जीत हासिल करी है। इस मैच में पाकिस्तान को एक तरफा मुकाबले में हरा दिया है। बहुत ही बड़े, पहले तो विराट कोहली ने बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए स्कोर बोर्ड को इतने पार पहुँचाए और फिर जसप्रीत बुमराह ने दिखाया कि क्यों उनको बुमर बुमराह कहा जाता है। और शानदार गेंदबाजी करते हुए दो विकेट भी छिड़के। और देखिए उसी के बरौद जसप्रीत बुमराह को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिलता हुआ।